진짜 넓다. तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS के चाहने वाले हो और हमारी कंट्री इंडिया से हो तो आई एम श्योर आपका कोई सपना हो या ना हो लेकिन ये सपना ज़रूर होगा कि आपकी फेवरेट के पॉप आइडल्स BTS कब इंडिया आएंगे, कब हमें पहली बार उनका इंडिया में कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। ये दो सवाल सालों से फैंस के मन में है। इतनी खतरनाक फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी BTS आज तक इंडिया नहीं आ पाए हैं और मिलिट्री के वास्ते तो इंडिया आने की कोई खबर थी ही नहीं। लेकिन अब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका ये सपना फाइनली सच हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिंट और कन्फर्मेशन BTS को लेकर, उनके इंडिया टूर को लेकर अभी अभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है कि प्लेनेट का सबसे बड़ा बैंड इस साल ना सही लेकिन अगले साल 2025 की स्टार्टिंग में ही यानी जनवरी में ही इंडिया आ सकता है और अपने फेवरेट के पॉप आइडल को इंडिया में पहली बार देखने का ये सपना अब से कुछ ही महीने बाद आपका पूरा हो सकता है। जी हाँ, BTS आर्मी, ये सारी दिल को गार्डन गार्डन करने वाली न्यूज़ अभी स्टार्ट हुई है जब से US के एक और पॉपुलर बैंड कोल्डप्ले ने इंडिया में टूर करने की अनाउंसमेंट की है। यहाँ तक की डिटेल्स भी फाइनली रिलीज़ हो चुकी हैं। वही कोल्डप्ले जिसके साथ BTS ने अपने सॉन्ग माई यूनिवर्स के लिए कोलैब किया था और जिनने अभी अपनी एल्बम के लिए कोल्डप्ले के साथ कोलैब किया था और अब खबर आ रही है कि कोल्डप्ले फाइनली पहली बार इंडिया में अपना कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं जो कहीं और नहीं बल्कि मुंबई में होगा। इसकी डेट्स भी रिवील कर दी गई हैं लेकिन फैंस ने यहाँ पर जो चीज़ शॉकिंगली नोटिस की वो थी मुंबई में उनके टूर में एक सीक्रेट और मिस्टीरियस गेस्ट भी आने वाला है जो परफॉर्म करेगा और फैंस को लगता है ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि BTS मेंबर जिन हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जिन भी कोल्डप्ले में फैंस को सरप्राइज देते हुए परफॉर्म करने आए हैं तो अपनी इंडिया में फैन फॉलोइंग देखते हुए शायद BTS मेंबर जिन कोल्डप्ले के इस कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फैंस का BTS को देखने का ना सही लेकिन जिनको इंडिया में देखने का सपना पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जिन अभी बाहर भी हैं उनके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फैंस सुबह से प्रे कर रहे हैं कि ये सीक्रेट मेंबर BTS मेंबर जिनी हो। अब देखना है आखिरकार ये कौन होगा, जिसके लिए आपको सिर्फ 2-3 महीने का वेट करना है क्योंकि कोल्डप्ले का ये कॉन्सर्ट 18th और 19th ऑफ जनवरी को है जिसकी टिकट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर जिन इंडिया में आते हैं तो आप लोग उनके कॉन्सर्ट के लिए कितना एक्साइटेड होगे अपनी राय कमेंट्स में बताना।